स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को मैंने डिफाइन करके बढ़िया समझा दिया था। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंसेस क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग का पहला, इट इज़ ए फिजिकल मैकेनिज्म। ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल मैकेनिज्म है। अब आप ये पूछेंगे कि फिजिकल मैकेनिज्म कैसे? जब आप सांस लेते हैं तो आपको साउंड सुनाई देता होगा, बाबा रामदेव की तरह सांस लेकर दीजिए, आपको साउंड सुनाई देता होगा। और ये दूसरा जो है रेस्पिरेशन में कहा, इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे? क्योंकि इसमें केमिकल्स का इन्वॉल्विंग होता है। एनर्जी यूज ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दौरान एनर्जी का यूज होता है। एनर्जी यूज कैसे होता है? जब हम लगातार जब सांस लेते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते हैं, और हम उसके द्वारा हमको एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी रिलीज रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है जब हमारे सेल्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, उसके द्वारा एनर्जी रिलीज होता है। ब्रीथिंग में इट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। ब्रीथिंग के दौरान हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। वो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स काम करते हैं, रिब केज और डायफ्राम। हमारे जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उन ऑर्गन्स का मूवमेंट होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट कंप्लीट इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स में होता है, इसमें कोई ऑर्गन्स मूवमेंट नहीं करता है। ये सेल्स में होता है, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलता है। वेंटिलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस टेक प्लेस। ब्रीथिंग में क्या होता है? वेंटिलेशन होता है रेस्पिरेटरी सरफेस का, जैसे कि जो हमारे लंग्स है उसमें एयर जाता है और लंग से एयर बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टेक प्लेस। रेस्पिरेशन में फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और उसका ब्रेक डाउन होता है जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस हमको सांस सुनाई देता है जब हम सांस लेते हैं तो। रेस्पिरेशन जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें केमिकल्स का इन्वॉल्विंग है। ब्रीथिंग में क्या होता है? एनर्जी यूज होता है जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है। और ब्रीथिंग में क्या होता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स का मूवमेंट होता है, जैसे कि लंग्स, रिब केज, डायफ्राम। रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स के अंदर होता है, इसमें कोई बॉडी ऑर्गन्स मूवमेंट नहीं होता है। ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में रेस्पिरेटरी सरफेस जो है लंग्स, उसमें एयर जाता है, उससे एयर बाहर निकलता है और गैसेस एक्सचेंजेस होते रहते हैं। रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और उसका ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद हमको एनर्जी मिलता है।